पास्टर सोलोमन बेंजामिन के पिता भी एक पास्टर थे, फिर भी बढ़ती उम्र में सोलोमन गलत संगत में फंसकर नशा करने लगे। इस कारण उनके पिता दुखी रहते थे। इन सारी बातों में पहले तो मैं समाज से और फैमिली से छुप छुप कर ये सारी बातें करता था, लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। मेरे घर में जब पता चला तब मेरे फादर इतने रोए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पास्टर का बेटा ऐसा हो सकता है। कई बार लोग सोलोमन की शिकायत उनके पिता से करते थे। मेरे फादर ने एक बार तो मन बना लिया कि पुलपिट पर से उन्होंने बता दिया कि सोलोमन को मेरे बेटे के नाम से मत आप पहचानना, क्योंकि उसका जो जीवन है वो पास्टर के बेटे के अनुरूप जीवन नहीं है। वो काफ़ी दुखी थे और मेरे लिए दुआ करते थे। चर्च में भी मेरे लिए कई बार दुआ प्रार्थना होती थी। इस तरह से समय बीतता गया और सोलोमन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर मुझे टेक्निकल कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवा दिया। टेक्निकल कॉलेज में गया, वहाँ कुछ नए दोस्त मिले और वहाँ ये आदतें और भी बढ़ती गई। टेक्निकल ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर मैं हॉस्टल से घर आया। घर आने के बाद अलग अलग जगह पर मैं इंटरव्यूज देता था, लेकिन मेरे फादर मेरे जीवन से बहुत दुखी थे। वो कई बार मुझे एंकरेज करते थे कि मैं आध्यात्मिक मीटिंग में जाऊं, और एक बार मेरे फादर ने मुझे काफ़ी दबाव डाल के यूथ कैंप में भेजा। यूथ कैंप में जो प्रीचर थे, वो प्रीचर के एक मैसेज ने मेरे जीवन के अंदर काफ़ी काम किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे हृदय के अंदर कुछ अजीब सा मुझे महसूस होने लगा। फिर सोलोमन अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। और मैं कहाँ हूँ वो मैं सोचने लगा। दूसरे यूथ को देखता था जो प्रभु में थे और मैं मेरे जीवन को देखता था, तो मुझे शर्म महसूस होने लगी। तब मैंने मन बना लिया कि अब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु को पुकारा मैंने कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर आप आइए, मेरे जीवन के अंदर आप कार्य करिए, क्योंकि मैं तो पापी इंसान हूँ, मैं कैसे मेरे अपने आप को बदल सकता हूँ। और मेरे बस की बात नहीं थी मेरे जीवन को बदलने की। तभी परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया। मैंने बाइबल खोली, बाइबल के अंदर से मुझे यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय और 16वीं आयत मेरे सामने आई। उसमें लिखा है कि तूने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुझे चुना है। इस वचन के द्वारा मुझे एक एहसास हुआ, एक भरोसा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है तो परमेश्वर जरूर मेरे जीवन को बदल देगा। इसी विश्वास के साथ अब सोलोमन ने आगे बढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। हालांकि छोटे मोटे व्यसन मेरे जीवन में थे। ड्रग्स का इतना आदि हो गया था कि कुछ घंटे हो जाते थे तो मैं ड्रग्स के बिना रह नहीं पा रहा था। लेकिन पढ़ता गया उठता गया और परमेश्वर मुझे संभालता गया। मैंने मन बना लिया था कि जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है तो क्यों ना मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए सौंप दूं। उस दिन मेरे फादर रो के मुझे इतने ज़ोर से हग किया और मेरे फादर ने बोला कि बेटा, इस दिन के लिए मैं कई सालों से तेरे लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था। परमेश्वर की सेवकाई के लिए इंडिया एवरियम क्रूजर में 1987 से मैं ज्वाइन हुआ। इस दौरान सोलोमन को कई संघर्ष का भी सामना करना पड़ा, पर उनके लिए परमेश्वर की शांति सब कुछ थी। इस दौरान उनकी शादी हुई और दो बेटियों की आशीष भी उन्हें मिली। आज मेरी बड़ी लड़की कैलिफोर्निया में साइकोलॉजिस्ट है। स्क्रेटा मेरी दूसरी लड़की जो कनाडा में आज पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और वो वर्क परमिट पर अभी काम कर रही है। और जब से मेरे जीवन में नई शुरुआत हुई है तब से आज तक मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ है कि मैंने कुछ बुरा चुना है। और इन सारी परमेश्वर की आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ।